केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एबीजी शिपयार्ड 23,000 करोड़ लोन स्कैम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि एबीजी शिपयार्ड के लिए 2005 से 2012 के बीच लोन दिया गया है। पहले दिल्ली में बैठे नेता, बैंक अधिकारी बैंक को फोन कर देते थे, उद्योगपतियों को लोन मिल जाता था, सरकारों के माध्यम से हजारों करोड़ों के लोन मिल जाया करते थे। कांग्रेस ने एनपीए लोन को भी रीस्ट्रक्चर करके लोन बढ़ा दिया है। और अब ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सब दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में अपनी साख बनाई, जो पूरे विश्व में उन्होंने अपने संबंध बनाए अलग अलग बड़े बड़े नेताओं से, और जिस प्रकार से आज भारत के प्रति विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्वास बना है, भारत के उद्योग के प्रति, भारत के सेवा क्षेत्र के प्रति, भारत के लोगों के प्रति जो आज विश्वास बना है, ये उसी का प्रतीक है कि मात्र 3 महीने से के भीतर ये चर्चाएं शुरू हुई। उनके मंत्री 23 सितंबर को आए थे दिल्ली, हमने लॉन्च किया एफटीए नेगोशिएशन, और 20 दिसंबर तक पूरी एग्रीमेंट को तैयार करने में हम सफल हो पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इंदौर में गोवर्धन प्लांट के लिए सरकार 5 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी। सीएम शिवराज के ऐलान पर कांग्रेसी नेता गोविंद गोयल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सीएम शिवराज के इस ऐलान को ध्यान भटकाने की राजनीति बताया और जनता को गुमराह करने की घोषणा बताया। तो ये कोई ये मन भावन और लोक लुभावन बातें हैं, इससे कोई नतीजा नहीं होगा। ये तो कुछ न कुछ पब्लिक का ध्यान हटाने का प्रयास है, और मैं नहीं सोचता हूँ इस प्रयास में आगे आपको 5 साल बाद नतीजा दिखेगा, क्या लफड़ा हुआ, क्या झगड़ा हुआ, क्या कामयाबी मिली, ये सब बस वक्त और वर्तमान परिस्थिति से गुमराह करके एक लोक लुभावन लोगों को मेन रोड से हटा कर साइड ट्रैक पर ले जाना है। इससे मैं नहीं सोचता मध्यवेश्ती तरक्की होगी, या किसान, या हमारे जो यादव बंधु हैं, या हमारे गोपालक हैं, या भैंस पालक हैं, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार के अधिकारी इसमें कुछ कुछ अपने हिसाब से अपना काम करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर विश्व हिंदू महासंघ ने उन्हें नमन किया। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हिंदू मुकेश जोशी ने संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान संघ के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। नहीं, महाराज जी की जयंती तो हर वर्ष, और जब से महाराज जी ने हिंदुत्व के लिए जो कार्य किए, हिंदुत्व के लिए जो लड़ाइयाँ की और जो बलिदान दिए, औरंगजेब जैसे लोगों को, हमारे शिवाजी महाराज ने 300 लड़ाई लड़ी मुगलों से, एक भी लड़ाई नहीं हारी। और जब शिवाजी महाराज जी के एक मुगल द्वारा भाई का शीश काटा गया, तो उनकी जीजा माता ने कहा कि शिवाज तेरा मुंह जब देखना चाहूँगी, जब मेरे को उस मुगल का सर ला के दिखा दे। ऐसी जीजा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। और शिवाजी महाराज जो हैं वो देश के, जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा, शिवाजी महाराज हिंदुत्व का परचम लहराने वाले और भगवा ध्वज के नीचे युद्ध करने वाले और हिंदुत्व के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने वाले, संतों का सम्मान करने वाले, संतों के लिए प्राण निछावर करने वाले। और आज हमारा देश जो है, आज जो पहचाना जाता है शिवाजी महाराज के नाम से पहचाना जाता है, महाराणा प्रताप के नाम से पहचाना जाता है। अजाक संघ मध्य प्रदेश द्वारा रविवार को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में अजाक संघ जिला भोपाल द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। संघ के जिला अध्यक्ष अशोक बैन ने बताया कि उनके संघ द्वारा पदोन्नति में आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश अजाक ने एक प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में कल 20 फरवरी को पूरे जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल में भी ये धरना प्रदर्शन है, और ये धरना प्रदर्शन हमारी मजबूरी है। सरकार हमको उकसा रही है, हमारी बात नहीं मान रही, और हम सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं कि हमारी बात को आप समझें। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पूर्व में हमने 1 फरवरी को प्रस्तुत कर चुके हैं। अब ये पूरा जिला स्तरीय जो मांग पत्र है वहाँ जाएगा और सरकार उस पर विचार करेगी। जो हमारी मांग है, सबसे पहली हमारी मांग ये है कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए।
दूसरी हमारी मांग है कि आउटसोर्स जो भर्तियाँ हो रही वो बंद होनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि जो बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही इस समय पर, वो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। और चौथी हमारी मांग है कि जो अपने बैग लागपत है खाली है वो भरने चाहिए। पांचवी हमारी एक मांग और आई है, 35 और 40% पहले हम लोगों को उसमें साक्षात्कार में वो नियम था परसेंट होना चाहिए, इस समय 45% कर दिया गया है। हमारी मांग है कि पूर्व की भांति 35 और 40% जो SC का जो 40% था और 35% ST का था वो होना चाहिए। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।